नमस्कार, लोकतंत्र 2013 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कवीन सचान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम गया और अब घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और इसके अलावा दिखाएंगे और क्या कुछ रंग हैं इस बार की चुनावी गतिविधियां भी होंगी। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली विधानसभा के लिए थमा चुनाव प्रचार, अब घर घर जाकर वोट मांगने में जुटे उम्मीदवार। 70 सीटों पर 4 दिसंबर को वोटिंग। दिल्ली में 1,15,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे 810 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 12,000 में से 630 मतदान केंद्र संवेदनशील। दिल्ली में चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा पर कड़ी चौकसी, हर आने जाने वालों पर नजर। मध्यप्रदेश की 5 विधानसभा क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान संपन्न, वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत के बाद दोबारा हुआ चुनाव। तो आइए बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थम गया। आखिरी दिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सत्ताधारी कांग्रेस ने सत्ता वापसी की उम्मीद में जगह जगह जनसभाएं की, तो वहीं विपक्षी बीजेपी ने हर सीट पर लोगों से वोट की अपील की। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी भी खासी उत्साहित नजर आ रही है और आखिरी दिन उसके नेताओं ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। चुनाव 47 घंटे पहले चुनावी सभा और रोड शो पर पाबंदी लग चुकी है, लिहाजा अब सभी उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आचार संहिता के मुताबिक अगले 2 दिन तक उम्मीदवार समूह में कोई भी प्रचार नहीं कर सकेंगे। मतदान से 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने निगरानी और कड़ी कर दी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटे इलाकों में आयोग कड़ी चौकसी बरत रहा है। अवैध शराब और पैसों के बंटवारे को लेकर भी चुनाव आयोग सतर्क है और उसके प्रयास हैं कि चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं को इनके आधार पर लुभाया न जा सके। आयोग का कहना है कि मतदान से पहले कुछ घंटे सुरक्षाकर्मी और चौकसी के लिहाज से बेहद अहम है। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे समेत बाकी इंतजाम भी शुरू हो चुके हैं। 11,753 केंद्रों में आयोग ने 630 केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील माना है और इसके लिए दिल्ली पुलिस के 64,000 से ज्यादा जवानों के अलावा अर्धसैनिक बलों की भी 107 कंपनियां तैनात की गई हैं। शांतिपूर्ण मतदान के अलावा चुनाव आयोग मतदान फीसदी बढ़ाने के लिए भी पूरा जोर लगा रहा है। दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने के बाद अब मतदान की तैयारियां आखिरी दौर में दिख रही हैं। चुनाव आयोग का प्रयास है कि चुनाव यानी कि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहे। राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने दिल्ली के चीफ नोडल ऑफिसर अंकुर गर्ग से मतदान की तैयारियों को लेकर बातचीत की। We have with us Shri Ankur Garg ji, Chief Nodal Officer in Delhi. Sir, what arrangements have been made to ensure free and fair polling? All the arrangements, both security related and polling related arrangements, are fully in place. The entire election machinery under the supervision of Delhi Election Commission and Election Commission of India is geared up. We are following all statutory rules. And about 75,000 civilian personnel and an equal number of security police personnel and CPMF forces are ready to do their duty for the Delhi Legislative Assembly elections. Right. So there are some critical polling stations, especially border areas. What extra precaution which has been taken? You see, after a detailed joint exercise with Delhi Police, we have identified more than 600 such locations, which can be categorized as critical or hypercritical. So in all these polling stations, we will be adopting multiple methods. For example, there could be use of either central paramilitary forces, use of micro observers, or use of webcasting. So one out of these three, or a combination of two, or all three, depending on the criticality of the polling station, these methods will be using at these identified locations. Sir, Delhi has always seen very low voter turnout. How are you encouraging voters to use their voting rights this time? We have launched a very extensive sweep campaign, which is primarily a voter awareness program.
and which has been coordinated at the district level. All our 9 districts did it, and our CO office did it, under which a variety of programs were held all over Delhi to motivate people to come out and vote on 4th. Election Commission has made adequate arrangements for smooth polling this time. With camera person Gajen, this is Pranav Goswami, Rajasabha TV, Delhi. और प्रणव गोस्वामी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं. प्रणव, जिस तरीके से आपने बात की चीफ नोडल ऑफिसर से और उन्होंने तैयारियों के बारे में बात की, जो सबसे बड़ी चिंता दिल्ली में दिख रही है वो तमाम राज्यों की सीमाओं को सील करना और वहाँ से किस तरीके से चौकसी बढ़ाई जाए, यानी कि जो दो बड़ी आशंकाएँ हैं, वोटरों को लुभाने के लिए पैसे बांटने या फिर अवैध शराब को बांटना, इस तरह के कामों में किस तरह से नए जो प्रावधान कर रहा है आयोग और किस तरीके से सख्ती बरत रहा है. जी देखिए, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रयास किए गए हैं इस बार, खासतौर पर नई ऐसे सुरक्षा इंतज़ाम जो पहले इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के दौरान नहीं किए थे, जैसे वेब कास्टिंग. सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगते हैं, लेकिन वेब कास्टिंग के जरिए एक तरह से सीधे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके बाद उसका आकलन होता है कि अगर किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पर कोई पैदा करने की कोशिश कर रहा है संवेदनशील पोलिंग बूथों पर, लेकिन वेब कास्टिंग के जरिए सीधे प्रसारण के जरिए वो ये पता चल जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ी करने की कोई मंशा अगर किसी की हो तो उसे उसी वक्त आइडेंटिफाई कर लिया जाए. इस तरह के नए प्रयास हैं जो कि इस बार चुनाव आयोग ने किए हैं. और इसके अलावा जो दूसरे राज्यों की जो पुलिस है उसके साथ साझा एक कोशिश की गई है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसे जो राज्य हैं जो कि पड़ोसी राज्य कहा जा सकता है, तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के अलावा जो राज्यों के पुलिस फोर्स है इनके साथ भी मिलकर इस पूरी जो पोलिंग प्रोसेस है इसको किस तरह से बिल्कुल निष्पक्ष बनाया जाए उसके लिए तमाम तैयारियां चुनाव आयोग ने की है. और प्रणव, आज शाम चुनाव प्रचार अब थम गया है और अब घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका है. किस तरीके से इस पूरे प्रचार को आपने कवर किया है और अब जो हालात हैं एक आम जनता की नज़र से, क्या वाकई इस पूरे चुनावी प्रचार या चुनावी शोर के बीच उन मुद्दों को तरजीह मिलती नजर आई जिनकी वाकई जरूरत यहाँ के वोटरों को है, यहाँ के बाशिंदों को है? जी देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है, ये ज़रूर कहा जाएगा कि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ने ही दिल्ली के जो तमाम मुद्दे उनको उठाने की कोशिश की. अगर आप घोषणा पत्र देखें, मैनिफेस्टो में उन बातों को शामिल किया गया जो कि आमतौर पर अमूमन हर चुनाव से पहले जो वादे होते हैं उनकी झड़ी से लग जाती है, वो इस बार भी देखने को मिला. लेकिन कुछ मायनों में थोड़ा सा अलग इस बार के चुनाव को इसलिए कहा जाएगा कि जो अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी जो आम आदमी पार्टी ने दर्ज कराई है उससे एक विकल्प, एक तीसरे त्रिकोणीय संघर्ष की तरह पूरा मामला बनता दिखाई दे रहा है. 1993 के बाद से, जब से विधानसभा बनी है दिल्ली में, उससे पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी, तब से लेकर अब तक सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा है. हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि किस तरह इस पहले इम्तिहान में आम आदमी पार्टी शामिल होती है, लेकिन एक ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कई सारे मुद्दे हैं और जो कि उठते हुए दिखाई दिए और अब ये मतदाता पर ही पूरी तरह से निर्भर होगा. और एक 8 तारीख खास बात, चिंता की मैं कह सकता हूं बात है, अलग अलग राज्यों में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसने एक नए रिकॉर्ड, नए कीर्तिमान बनाए हैं. दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि टर्नआउट के लिहाज से सबसे कम मतदाता बाहर निकलता नजर आया अगर पिछले कुछ चुनावों के इतिहास को देखें. इस बार किस तरीके से बदलाव नजर आ सकता है, उन्हें बाहर निकालने के इलेक्शन कमीशन किस तरह के प्रयास करता नजर आ रहा है? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो शहरी आबादी ज्यादा है दिल्ली में, और बल्कि ये कहा जाए कि देश में शायद एक ही मात्र ऐसा राज्य होगा जिसमें शहरी आबादी पूरे जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है, और यही एक विरोधाभास है कि शहरी आबादी होने के बावजूद भी जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत नीचे गया है. इसका मतलब साफ है कि जो शहरी लोग हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो एक उदासीनता इस पूरे लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है इस पर एक उदासीनता देखने को मिली है. रही चुनाव आयोग की बात, तो चुनाव आयोग ने लगातार पिछले 1.5 महीने के बाद, जब से कि चुनाव डिक्लेयर हुए थे, अपने विज्ञापनों के जरिए और अपने नुक्कड़ नाटकों के जरिए और खासतौर पर युवा मतदाताओं को, जो नए मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए हैं. लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि 50% के आसपास ही हमेशा मतदान होता है. उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार खासतौर पर जो नया वोटर हैं वो घर के बाहर आएंगे और अपने वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस पूरी बातचीत के लिए. प्रणव बता रहे थे दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है और इलेक्शन कमीशन किस तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है. लेकिन दिल्ली के लिहाज से देखा जाए तो वोटरों में खासा उत्साह नजर नहीं आता है. ये स्थिति विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी नजर आती रही है. चुनाव आयोग के लिए ये सबसे बड़ी चिंता है. आयोग ने मतदान
के आंकड़े को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं और उसे इसके सकारात्मक नतीजों की उम्मीद भी है। दिल्ली से पहले चार राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। नक्सल पीड़ित छत्तीसगढ़ में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ। ऐसा तब हुआ जब नक्सलियों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही थीं। आइए एक नज़र डालते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान में कितनी वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण में नक्सल पीड़ित इलाकों में करीब 67% मतदान हुआ। दूसरे चरण में रिकॉर्ड 74.7% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड 71.24% मतदान हुआ। ये आंकड़े 2008 के मतदान से 2% ज्यादा हैं। मिजोरम में 2008 की तरह 81% वोटिंग हुई। वहीं रविवार को राजस्थान में हुए चुनाव में भी 75.27% मतदान हुआ। इस राज्य में 2008 में मात्र 66% मतदान हुआ था। जानकारों का मानना है कि वोटरों के बीच मतदान के लिए जागरूकता की चुनाव आयोग की कोशिशें रंग ला रही हैं। आयोग ने रोड शो और दूसरे कार्यक्रमों से वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने की कोशिश की है। दिल्ली में भी आयोग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पारंपरिक रूप से दिल्ली में कम मतदान होता रहा है। 1998 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आधे से भी कम वोटरों ने मतदान किया था। हालांकि 2003 में इस आंकड़े में मामूली बढ़ोतरी हुई और ये 53% पर पहुंच गया। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में 57.8% मतदान ही हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल वोटरों की संख्या करीब 1,15,00,000 है। इनमें से करीब 3,49,000 पहली बार वोट करेंगे, जो 18 से 19 साल आयु वर्ग के हैं। चुनाव आयोग की नजर इन्हीं वोटरों पर है ताकि मतदान का आंकड़ा बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहां पर रोक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए बुधवार को वोट डाले जाएंगे। चार राज्यों में हुए रिकॉर्ड मतदान के बाद आयोग को उम्मीद है कि दिल्ली में भी इस बार एक नया रिकॉर्ड बनेगा। राज्य की सभी सीटों पर चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पांच राज्यों में हो रहे चुनाव का सिलसिला दिल्ली में 4 दिसंबर को मतदान के बाद थम जाएगा। दिल्ली में सभी 70 सीटों पर चुनाव प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। प्रदेश की 70 सीटों के लिए 1,19,00,000 से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 66,11,000 पुरुष और 53,20,000 महिलाएं हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार चुनावी मैदान में 65 उम्मीदवार कम हैं। दिल्ली में बुधवार को 810 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें से 70 महिला उम्मीदवार हैं। प्रदेश में 12 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चुनाव में सुरक्षा के अलावा महिलाओं से जुड़े कई मुद्दे भले ही अहम रहे हों, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने पिछली बार से भी कम महिलाओं को मैदान में उतारा है। दिल्ली में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ी सीट नरेला, जबकि सबसे छोटी बल्ली मारान है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी सीट विकासपुरी और सबसे छोटी दिल्ली कैंट है। हालांकि सभी सीटों पर काफी कड़ा मुकाबला है, लेकिन बुराड़ी में सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवारों ने समीकरण रोचक बना दिया है। सबसे कम 4 उम्मीदवार पटेल नगर सीट पर हैं। दिल्ली में अब तक मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीएसपी 69, बीजेपी 68 सीटों पर मैदान में है। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा 43 सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 23 सीट जीतकर बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी। बीएसपी के खाते में 2 सीटें आई थीं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए 11,763 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने सुचारू मतदान के लिए 70 सामान्य पर्यवेक्षक और 2 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मतदाता जागरूकता अभियान से चुनाव आयोग उत्साहित है और उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने महज 11-11 महिलाओं को टिकट दिया है। दोनों ही पार्टियों का कहना है कि वो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन टिकट देने में जीतने की काबिलियत देखी जाती है। दिल्ली में तकरीबन 53,00,000 महिला वोटर हैं, जबकि चुनाव लड़ रहे कुल 810 उम्मीदवारों में से महज 80 उम्मीदवार ही महिलाएं हैं।
दिल्ली में बुधवार को होने वाले वोटिंग को लेकर यूं तो 810 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर सबकी नजरें होंगी। नई दिल्ली सीट ही एक ऐसी सीट है जहां पर मुकाबला सबसे रोचक नजर आ रहा है। चुनाव मैदान में इस बार कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। जिन सीटों पर सबसे रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है उनमें नई दिल्ली सबसे आगे है। यहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस बार तगड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कृष्णानगर सीट से लगातार 4 बार जीतने वाले हर्षवर्धन इस बार बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने उनके मुकाबले विनोद कुमार मोंगा और आम आदमी पार्टी ने इशरत अली अंसारी को टिकट दिया है। पुरानी दिल्ली की मुस्लिम बहुल बल्ली मारान से कांग्रेस के अनुभवी नेता हारून यूसुफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने मोतीलाल सोढ़ी और आम आदमी ने फरहाना अंजुम को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ग्रेटर कैलाश, चांदनी चौक और जनकपुरी पर भी लोगों की नजर होगी, लेकिन दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष योगानंद शास्त्री की सीट मेहरौली पर मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी ने यहां प्रवेश साहिब सिंह को उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र सिंह सेजवाल को टिकट दिया है। मालवीय नगर पर बीजेपी और कांग्रेस की दो चर्चित महिला चेहरा एक दूसरे के सामने हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कांग्रेस की किरण वालिया पूर्व मेयर बीजेपी के अनुभवी नेता आरती मेहरा को चुनौती दे रही हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां से सोमनाथ भारती को टिकट दिया है। इनके अलावा करौलबाग भी अहम सीटों में शुमार है और हरिनगर से 4 बार विधायक रहे हर्षरण सिंह बल्ली भी खासे महत्वपूर्ण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार कुछ और चुनावी खबरें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली वालों के दिल में क्या है ये तो वो 4 दिसंबर को मतदान के जरिए जाहिर करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार थमने से पहले तकरीबन हर राजनीतिक दल ने जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर राजधानी में जनता किन किन क्षेत्रों में और विकास चाहती है। देश की राजधानी दिल्ली राजनीति के बड़े अखाड़ों में से एक है। देश का केंद्र और संसद भवन समेत अहम मंत्रालयों और कार्यालयों का दफ्तर यही होने के नाते राष्ट्रीय दलों के लिए यहाँ जीत अहम होती है। जीत के साथ जिम्मेदारी मिलने पर लोगों की इन दलों से अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। मेट्रो से लेकर लो फ्लोर बसें, अस्पतालों से लेकर चौड़ी चौड़ी सड़कों जैसी कई सुविधाएं राजधानी वासियों को मिली हैं। लेकिन शहर पर आबादी के बढ़ते बोझ और जरूरतों के बीच सरकार से जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। जितना हुआ है उससे ज़्यादा चाहेंगे, क्योंकि अगर शीला दीक्षित जी को हो गए 15 साल हो गए, 15 साल में जितना करा है उससे आई वुड से 200% ज़्यादा हो सकता था। जैसे हम DU के स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। 4-year प्रोग्राम जो है अंडर ग्रेजुएट वो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा अच्छा बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाने के साथ इसे पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के लिए मेट्रो के विस्तार का भी काम जोरों पर है। साथ ही ट्रैफिक जाम से निजात के लिए दर्जनों फ्लाईओवर बनाकर सरकार ने उनकी परेशानियां कुछ कम की हैं। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में ये सब अभी काफी नहीं है और जनता को विकास के कई और कार्यों की दरकार है। लोगों को आवाजाही में बड़ी सहूलत है, ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी सहूलत है, फ्लाईओवर जैसे बनाने की डबल डेकर का बता रहे हैं उससे भी सहूलत और ज़्यादा मिलेगी ट्रांसपोर्टेशन में। मतलब स्लम को तो स्लम हमारे इससे खत्म हो जाना चाहिए पूरे एरिया से। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सब्जियों के दाम देख रहे हैं आप और पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जाते हैं। दूध का रेट पहले अमूल बढ़ा था फिर मदर डेयरी अब ना भी बढ़ा लेता है। पिछले कई सालों में राजधानी का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन इसके साथ ही महंगाई और महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले भी बढ़े हैं। इन सब से आहत हुई जनता को विकास कार्यों के साथ साथ सुरक्षित दिल्ली भी चाहिए। दिल्ली के लगभग सभी दावेदारों ने कुछ ऐसे ही दावे और वादे चुनाव प्रचार के दौरान किए हैं, लेकिन राजनीतिक दलों से सुरक्षा, सुशासन और विकास की अपेक्षा रखने वाली जनता को पहले मतदान प्रतिशत बढ़ाकर अपना फर्ज निभाना होगा। मौजूदा सरकार आम लोगों से विकास कार्यों जैसे कि लो फ्लोर बस चलाना, मेट्रो और फ्लाईओवरों के नाम पर
वोट की अपील कर रही है। दिल्ली वाले कई हद तक इस बात से खुश भी हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा हैं। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, महंगाई कम हो और साथ ही एजुकेशन सिस्टम में अच्छा बदलाव हो, और जो उनकी इन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा दिल्ली का ताज उसी पार्टी के सर होगा। कैमरामैन जुनैद के साथ दृष्टि गुप्ता, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। शाहदरा विधानसभा सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा है, लेकिन बीजेपी अकाली गठबंधन के चलते ये सीट अकालियों के हिस्से आई, सो इस बार यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। करीब 1.5 लाख वोटर वाली शाहदरा विधानसभा सीट पर वैश्य मतदाताओं की तादाद लगभग 35% है। इसके अलावा 13% अल्पसंख्यक वोटर यहाँ चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। यहाँ अभी तक चुनावी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता रहा है, इस बार ये सीट बीजेपी ने अपनी गठबंधन सहयोगी अकाली दल के लिए छोड़ दी है, तो आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में आने से यहाँ चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 1993 में इस सीट से बीजेपी के राम निवास गोयल निर्वाचित हुए थे। यहाँ से 1998 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नरेंद्र नाथ को जीत मिली, 2003 में नरेंद्र नाथ को दोबारा जीत मिली, जबकि 2008 में भी नरेंद्र ने इस सीट पर तीसरी बार कांग्रेस का परचम फहराया। कांग्रेस जहां इस सीट पर लगातार चौथी बार जीतने की कोशिश में है, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल से कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिल रही है। शाहदरा में विकास, सड़क, गली, सीवर और बिजली बिल जैसे चुनावी मुद्दे तो हैं ही, जातीय समीकरणों का भी खासा असर है। यहाँ की आबादी में यूपी बिहार से पलायन करके आए लोगों का भी बड़ा हिस्सा है। इन लोगों की समस्याएं भी चुनाव पर असर डाल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात मंगोलपुरी विधानसभा सीट की, जहां पर 1993 से अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही यहां पर मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। यह सीट अनुसूचित जात के लिए रिजर्व है। यह है दिल्ली का मंगोलपुरी निर्वाचन क्षेत्र। मंगोलपुरी सीट 1993 से ही कांग्रेस की गढ़ रही है। स्थानीय नेता राजकुमार चौहान ने यहां से लगातार 4 बार जीत हासिल की है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मंगोलपुरी से इस बार कुल 7 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें एक निर्दलीय भी शामिल है। राजकुमार चौहान को बीजेपी के राम किशोर नावरिया से कड़ी टक्कर मिल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार राखी बिरला ने इन दोनों के लिए जीत की राह मुश्किल कर दी है। इनके अलावा बीएसपी और सीपीआई के उम्मीदवार भी चुनावी समर में हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बीएसपी की आस भारी संख्या में मौजूद वाल्मीकि समुदाय के वोटरों पर लगी है। मौजूदा विधायक राजकुमार चौहान एक बार फिर विकास के नाम पर सीट निकालने का दावा कर रहे हैं। उनके लिए राहत की बात है कि यहां विपक्षी पार्टियां मुद्दों और कार्यकर्ताओं की कमी से जूझ रही है। स्थानीय लोग चौहान को प्रगतिशील नेता मानते हैं। यहां पानी, बिजली की बेहतर सुविधा और हर जगह दिख रहे सुंदर पार्क उनके दावे को मजबूत करता दिख रहा है। हालांकि मतदाताओं के लिए आसमान छूती महंगाई इस बार एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बिजली बिल, सीवर जैसे मुद्दों को भी लेकर विपक्षी पार्टी चौहान को घेरने में लगी हैं। 8 दिसंबर को होने वाले मतगणना के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली की खबरों के बाद आपको बताते चलें, मध्य प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों के 6 मतदान केंद्रों पर आज फिर से मतदान हुआ। 25 नवंबर को हुए मतदान में अनियमितताओं की शिकायत के बाद आयोग ने 6 केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई जो 5 बजे खत्म हुई। पुनर्मतदान वाले पोलिंग बूथ में बिंद जिले की लहर विधानसभा सीट के 2 मतदान केंद्र, मुरैना के संभावली, रीवा जिले की सिरमौर, जबलपुर जिले की पानगर और उज्जैन जिले की उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट में 1 मतदान केंद्र शामिल है। तो चुनावी खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।